Morning class, how are you all? Hope you all are fine and enjoying your holidays with your studies. Okay? Last video में हमने start किया था हमारा first chapter, the best Christmas present in the world. और इसके writer कौन थे? Michael Morpurgo. इनका जन्म कब हुआ था? ये born कब हुए थे? 3 October 1943 में. ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था कि कैसे हमारे जो राइटर थे वो एक जगह जाते हैं जिसका नाम था बिटपोर्ट. वहाँ वो एक जंक शॉप पे जाते हैं और उनको वहाँ पर एक रोल टॉप डेस्क देखते हैं जिसे वो परचेस करते हैं, अपने घर लेके आते हैं. जब वो उसे ठीक कर रहे होते हैं तो उन्हें एक ड्रॉर मिलता है. वो बहुत ही इस टेबल में बहुत ही ज़ोर से स्टक हो गया था जिसे बहुत ही फोर्स लगा के हमारे राइटर खोलते हैं. तो उस ड्रॉर के एकदम अंदर बिनीथ में क्या देखते हैं कि एक सीक्रेट ड्रॉर है जिसके अंदर एक ब्लैक टिन बॉक्स रखा है जिसमें एक लेटर था जो कि मिसेस कोनी को लिख रखा था. किसने? जिम मैकपर्सन. ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में वही लेटर रीड करने जा रहे हैं. जब हमारा राइटर वो लेटर रीड करता है तो उस लेटर में वो क्या पढ़ता है ये हम इस वाले पार्ट में जाने. ओके, नाउ स्टार्ट. डियरेस्ट कोनी, आई राइट to you in a much happier frame of mind because something wonderful just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crispy, quiet all about, as beautiful as morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. ठीक है, तो जिम मैकपर्सन लिखता है अपने लेटर में कि ये मुझे बताते हुए तुम्हें बहुत ही खुशी हो रही है, कुछ बहुत ही अच्छा मेरे साथ हुआ है. ठीक है, हम सब अपने ट्रेंचेस मतलब सुरंगों में, आपने देखा होगा कि जब हम जब बॉर्डर्स पे आपने देखा है जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो एक सुरंग सी बना लेते हैं, गड्ढे से बना लेते हैं, थोड़े गहरे से गड्ढे से, और उनके अंदर जाके खड़े होते हैं. तो यहाँ पर जिम मैकपर्सन है, वो भी एक सोल्जर ही है जिसने लिखा है कि हम अपने ट्रेंचेस में अपनी सुरंगों में खड़े थे. ये जो मॉर्निंग थी, ये जो सुबह थी, ये क्रिसमस की मॉर्निंग थी. और जैसी क्रिसमस की मॉर्निंग होती बहुत ही ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ती है और हर जगह धुंध ही धुंध. क्रिस्पी मतलब कड़ाके की और फ्रॉस्टी मतलब धुंध. ठीक है, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इट इज दैट फिट्स बिगेन इट फर्स्ट बिकम समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. Then they were calling out to us from across no man's land. मुझे तुम्हें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती अगर मैं ये कहता कि जो घटना हमारे साथ हुई है इसकी शुरुआत अगर मैंने की थी. बट मुझे बड़ा ही ashamed, मतलब मुझे बड़ा ही अपने ऊपर शेम आ रही है कि क्यों मैंने ये स्टार्ट नहीं की. बहुत ही शर्मिंदगी फील हो रही है. बट मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये हमने नहीं, ये सामने वाले फिट्स मतलब सामने के जो सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर्स थे वो, उन्हें वो लोग क्या कहते थे? फिट्स कहते थे. ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया. उनमें से किसी एक ने एक व्हाइट कलर का फ्लैग, ऑलवेज यू नो दैट जो व्हाइट कलर होता है वो शांति का प्रतीक होता है. तो उनके ट्रेंचेस में से किसी ने व्हाइट कलर का फ्लैग हमारी तरफ वेव करा, मतलब फहराया. Then they were called out us from across no man's land. और फिर उन्होंने हमें बोला कि no man's land में आओ, आज क्रिसमस है, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे. हैप्पी क्रिसमस टॉमी. यहाँ पर जो जिम मैकपर्सन है वो ब्रिटिश सोल्जर्स है और ब्रिटिश सोल्जर्स को कोड वर्ड में टॉमी बुलाया जाता है. तो कोई उन जर्मन सोल्जर्स की तरफ से कोई चिल्लाता है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. When we had got over the surprise, someone has shouted back. हमें ये सब देख के कि ऐसे वॉर के टाइम पे हमारे अपोजिट जो कंट्री है वो हम लोगों को क्या बोल रही है, हैप्पी क्रिसमस विश कर रही है. तो हम एक बार में शॉक्ड हो गए थे और जैसे ही हम उस शॉक में, सरप्राइज में, हैरानगी से वापस आते हैं तो हम में से एक वापस रिपीट करता है कि हैप्पी क्रिसमस फिट्स. ठीक है, सेम टू यू फिर, सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग वाइट फ्लैग. हम लोग सब सोच रहे थे कि ये उनकी कोई
ये भी कोई ट्रिक हो, बट हम थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि उनमें से कोई एक उनके ट्रेंचेस सुरंगों में से एक ग्रे कोट पहने हुए ऊपर आता है और वाइट फ्लैग फहराते हुए, ठीक है, और बोलता है डोंट शूट लार्ड, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, देन देयर वाज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड मैन इट इज अ ट्रिक बट इट वाज नॉट, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे पहले वाला आता है वो बोलता है कि डोंट शूट लार्ड, मतलब हम बोलते हैं ना कि भाई ये काम मत करना, वैसे ही वो बोलते हैं कि प्लीज शूट मत करना, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा ग्रे कोट वाला और आता है, ठीक है, एक के बाद एक आता जाता है। पैरापेट मतलब वो जो ट्रेंचेस का ऊपर का बॉर्डर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम फिर भी मैंने क्या बोला अपने सोल्जर्स को कि अपना सर ऊपर मत उठाना, अपना सर डाउन ही रखो, ठीक है, क्या पता ये उनकी कोई चाल, बट ये कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस अक्रॉस नो मैन लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, come on boys, what are we waiting for, and then there was no stopping them, I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth it is that it never even occurred to me, I should, all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was the part of this. In the middle of the war, we were making peace. ठीक है? तो क्या होता है? उनमें से एक जर्मन सोल्जर अपने सर के ऊपर एक बॉटल हिला, ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं स्नैप्स, जो वो ड्रिंक का नाम था, ठीक है, और बोलते हैं कि हमारे पास सॉसेज भी है, खाने के लिए सामान भी है, ठीक है, और हम सब चलो हम मिलते हैं, आज क्रिसमस का डे है, वी मीट एंड वी सेलिब्रेट क्रिसमस, ठीक है। इतने में ही मेरे साइड से एक जो सोल्जर था जिसका नाम था लिटिल प्राइवेट मॉरिस, वो खड़ा होता है और वो बोलता है कि आप सब किस चीज़ का वेट करते हैं, चलिए, मैं उनका ऑफिसर था, मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, बट मैंने उनको नहीं रोका, ठीक है, क्योंकि मैं रोकना ही नहीं चाहता था। देन इसके बाद एक के बाद एक ग्रे कोट और खाकी कोट सब मिक्सअप हो जाते हैं और वॉर के मिडल ऑफ द वॉर सब इंजॉय करना क्या चाहते थे, पीस शांति से वो दिन सेलिब्रेट करना चाहते थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट होनी माई फीलिंग एज आई लुक इन टू द आईज ऑफ द फिट्स ऑफिसर हु अप्रोच मी हैंड्स आउटस्ट्रेच हैंड्स वुल्स ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वॉर्मली एंड होल्डिंग इट, I am from Dulstroff,